दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो पहले टेस्ट मैच के लिए कोरोना टेस्ट से मुतासर होने वाले हारिस रऊफ की जगह फास्ट बॉलर नसीम शाह को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। राज क्रिकेट न्यूज के साथ मैं हूं राजू लगारी। तफसीलात के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मार्च से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की जगह नसीम शाह को टीम में शामिल कर लिया गया है। इससे कबल वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए ऐलान करदा ट्रेवलिंग खिलाड़ियों में शामिल थे। दोस्तों, हारिस रऊफ के आज किए गए कोरोना टेस्ट का रिजल्ट मुस्बत आया है, लिहाजा वो 4 मार्च से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। वो अब 5 रोज तक आइसोलेशन में रहेंगे, जिसके अख्तिताम पर उनका दोबारा कोरोना टेस्ट किया जाएगा। हारिस रऊफ का टेस्ट मुस्बत आने के बायस कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान की रीटेस्टिंग की गई। उनकी तमाम अरकान की रीटेस्टिंग के नतज मनफी आए हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी सीरीज के लिए पिंडी स्टेडियम में दोनों टीमों ने भरपूर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीरीज में कामयाबी पर पाकिस्तान को टॉप 5 में जगह मिल सकती है, जबकि नाकामी ऑस्ट्रेलिया को पहली पोजीशन से महरूम कर सकती है। दूसरी जानब एनसीओसी ने पाक ऑस्ट्रेलिया के मैच में 100% शायकीन को इजाज़त देने का फैसला कर लिया है। एनसीओसी की जानब से फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह भी कर दिया है। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।